हेलो एवरीवन, मैं मिसेस रेखा अपने यूट्यूब चैनल कुक विद मिसेस रेखा में आपका स्वागत करती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। एक बार सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद उस पर दोबारा क्लिक मत करिए, नहीं तो वह अनसब्सक्राइब हो जाएगा। ओके, अधिक से अधिक मेरे वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गेहूं और चावल से बने हुए फरे। इसके लिए हमने ये 2 कप चने की दाल ली थी, इसको हमने 4 से 5 घंटे तक इसको भिगो दिया। ये भिगोने के बाद ये फूल गए हैं, अब हम इसको मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। तो इसमें हम कुछ हरी मिर्चें ली हैं 8 से 10, आपकी जैसा आप तीखा पसंद करते वैसे लियो। जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, काली मिर्च दाने 10 कलियाँ लहसुन की, और ये 1 इंच टुकड़ा अदरक का। ये सब लेकर के हम इसको मिक्सर में चने की दाल के साथ ग्राइंड कर लेंगे। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, हमको थोड़ा सा दरदरा ही पीसना है। तो हम सारे मसाले इसमें डाल करके इसको बिना पानी के थोड़ा दरदरा मोटा पीस लेंगे। महीन पेस्ट इस बनाने से इसका स्वाद अच्छा नहीं आता है, तो हम इसको एक एक बार, ये चावल के आटे से भी बनाए जाते हैं, गेहूं के भी आटे से। ये इसमें हमने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, अच्छा कलर आए जिससे, और स्वाद भी इसका हल्दी से बढ़ जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये पीस करके, थोड़ा हमारा मोटा दरदरा ही है तो हमने इसको पीस करके निकाल लिया है, और ज़्यादा ढीला नहीं है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो नमक बेसन में थोड़ा सा, या चने की दाल में नमक थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, इस हिसाब से आप नमक ऐड करें अपने टेस्ट के अनुसार। तो नमक ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो पहले हम चावल के आटे से बनाते हैं फरे। तो ये हमने 2 कप चावल का आटा लिया है, और इसको हम चावल के आटे को गर्म पानी की सहायता से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी करके हम डालेंगे, सानेंगे। तो पहले हम एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो आटा हमारा चावल का गीला हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके, और इसके लिए गर्म पानी लेंगे हम। तो देखिए, हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें चावल का आटा चम्मच स्पून की सहायता से इसको हल्के हल्के से मिला रहे हैं। जब थोड़ा सा पानी इसमें सोक कर हो जाएगा, तब हम इसको हैंड की सहायता से इसको आटा को मसल मसल के गूँथेंगे। तो हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालिए, देखिए स्पून की सहायता से इसको अच्छे से मल मल के दब प्रेस करके थोड़ा सा इसको सानिए। देखिए, हमने पूरा मसल लिया है, इसमें पानी सोक हो गया है। अब हम इसको हल्का सा पानी डाल डाल के इसमें आटा को हम गूँथेंगे, मसल मसल के आटे को फ्रेंड्स गूँथिएगा, दबा दबा करके, कि जितना पानी हमको, क्योंकि इसमें पानी चावल के आटे में कम सकता है। देखिए, ये हमारा आटा हो गया, बाइंड हो गया। अब हम इसको मसल मसल करके इसको ऐसे चिकना कर लेंगे। देखिए, हमारा, हमने 1 गिलास पानी लिया, 1.25 गिलास पानी लिया था, जिसमें हमारा इतना पानी बच गया है। यह हमारा आटा गूँथ गया है। हमने एक भगोने में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। ये पानी हमारा गर्म हो रहा है, और इसको हम एक चलनी की सहायता से ढक देंगे, और इस चलनी को हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो हमने ग्रीस करके रख दिया, पानी में अभी उबाल नहीं आया है, तो उबाल आने तक तब तक हम इधर तैयार कर लेते हैं चावल के आटे के फरे भर करके। तो इतने बड़े हमने इसकी एक लोई ली है, और इसको बराबर से चारों ओर से हम इसको पीस कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला हमको इसको नहीं बेलना है, चारों ओर से फ्रेंड्स इसको हम बराबर से बेलेंगे। बेलन को बराबर से चलाना है, और थोड़ा सा अगर आपका आटा चिपक रहा हो तो इस पर थोड़ा सा चावल का आटा स्प्रे कर दीजिए। ये हमने एक कटोरी ली है, आपके पास कोई कटर हो, जिस साइज़ का आपको फरा बनाना हो उस साइज़ से
आप इसको कट करिए। देखिए इसको हमने चावल के आटे में ऐसा डिप कर लिया कि ये सूखे ना। देखिए कितने बढ़िया से ये रिंग कट रहे हैं। जो एक्स्ट्रा है इसको हम हटा देंगे, फिर इन्हीं का लोई बना करके फिर हम इसको बेल करके ऐसे ही सारे रिंग्स काट लेंगे। देखिए इसकी इतनी मोटाई हमको रखनी है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। और फिर इसको एक ले करके स्पून की सहायता से हम इसमें सेंटर में पेस्ट को इसमें फैलाएंगे और फिर पूरा इसको बंद नहीं करेंगे, बस इसको आधा ऐसे फोल्ड करके रखेंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स हम सारे फरे बन तैयार कर लेंगे। बहुत ही खाने में टेस्टी लगते हैं और ये बहुत ही हेल्दी हैं स्टीम से क्योंकि बनते हैं। इनको फ्राई करके भी खाया जाता है और ऐसे भी इसको खाया जाता है। तो इस तरह से हम सारे चावल के फरे भर करके तैयार कर लेते हैं। देखिए हमारे चावल के भरे हमने फिल कर लिया। ऐसे ही गेहूं के आटे के भी हमने रिंग काट लिए हैं और इनको भी ऐसे ही फिल करके पेस्ट को पूरा इसका बंद नहीं करेंगे, मुंह हल्का सा प्रेस करके दबा देंगे। चावल का आटा भी हमको थोड़ा सा टाइट सानना चाहिए, इसमें कोई नमक या मोयन नहीं पड़ता है। तो देखिए ये हमने चावल के बना लिए या गेहूं के आटे के फरे हमने तैयार कर लिया। देखिए पानी में हमारे बॉयल आ गया है, अब हम इसमें हमने इसको ग्रीस कर लिया है, अब हम इसमें सारे चावल के फरे तैयार कर लेंगे, रख लेंगे। थोड़ा सा स्पेस रहना चाहिए जिससे कि स्टीम सब तक बराबर पहुँचे। जितना आपका स्पेस हो उसमें इतना आप रखिए और फिर इसको किसी ऐसे प्लेट से या बर्तन से ढक देंगे कि स्टीम हमारी बाहर ना निकले। तो कम से कम 10 मिनट बाद हम इसको देखेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं तो देखिए ये हमारे लगभग आधे पक चुके हैं। एक स्पून या टूथपिक की सहायता से देख लेंगे। देखिए अभी इसमें थोड़ा सा लग रहा है, अभी थोड़ी सी और सिकना बाकी है। अब हम इसको थोड़ा सा पलट देंगे कि बैक साइड से भी ये हमारे अच्छे से सिक जाए। फ्रेंड्स बहुत गर्म रहता है इसलिए इसको किसी चिमटे या किसी चम्मच की सहायता से इसको पकड़ के करिए, नहीं तो स्टीम बहुत तेज हाथ पे लगती है। अब देखिए फिर 10 मिनट हो गए। एक बार बनने में इसको 15-20 मिनट लगता है। तो देखिए अब हमारा ये तैयार हो गया, अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे फरे तैयार कर लेंगे, इसी तरह चावल के भी और गेहूं के भी फरे इसी तरह तैयार कर लेंगे। देखिए ये चावल स्टीम हो गए, अब हम ये सारे फरे दोनों हम एक साथ भी पका के दिखा रहे हैं आपको। तो हमने एक तरफ चावल के रखे हैं और एक तरफ गेहूं के फरे रखे हैं सबको एक साथ। देखिए अब हमारे चावल ये फरे स्टीमों के दोनों तैयार, ये आटे के ये चावल के हैं फरे। इनको हमने बीच में से कट करके ऐसे जॉइंट थे इसमें बीच में से दो पार्ट हमने कर दिया है और इसको हल्का सा ऑयल में फ्राई कर दिया है। फ्रेंड्स इनको खाइए और सबको खिलाइए, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। ओके बाय गाइस।